वैशाली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 6 घरों में भीषण आग लग गई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे ग्रामीण, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी सूचना पाकर पहुंची है मौके पर। महुआ थाना के मिर्जानगर की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको वैशाली से दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक धुआं जब उठ रहा है तो आग कितनी ज्यादा भयानक रही होगी। धुएं के कारण कुछ भी नहीं दिख पा रहा है, सब कुछ धुंधला हो गया है। हालांकि आपको बता दें, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। 6 घरों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश में ग्रामीण जुटे हुए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई है। महुआ थाना के मिर्जानगर की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे आग कितनी ज्यादा भयानक है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवेश जुड़ गए हैं। दिवेश, क्या पूरा मामला है, कैसे आग लगी है, किस इलाके में आग लगी? ये घटना महुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की बताई जा रही है। ये जहां पे अचानक आग लग गई है, करीब आधा दर्जन घर में आग लग गई है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीण अपने तरफ से प्रयास कर रहे थे, आग पर काबू पाने की प्रयास कर रहे थे। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और दोनों मिलने का वक्त आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक करीब 4 घर पूरी तरह जल के राख हो चुका है। वहीं अगर बताया जाए तो ग्रामीण बता रहे हैं, जिनकी घर जल गई है वो बता रहे थे कि उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि उनकी घर जल गई है, अब वो रहेंगे क्या, खाएंगे क्या। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है क्या? जी, फायर ब्रिगेड की टीम अभी मौके पर पहुंची है और ग्रामीण और फायर ब्रिगेड टीम मिलकर अभी कोशिश कर रही है आग को बुझाने का। दिवेश, आग कैसे लगी? आग लगने का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से आग लगा था, लेकिन अभी जो गर्मी का मौसम है और जो तेज पछुआ हवा चल रहा है, इससे कहीं से कहीं गाड़ी से किसी कारण से भी आग लग सकता है जोर जल्दी से। लेकिन साफ तौर से ये अभी पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से आग लगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।